रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम. यू हैव ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट. नियर कलेक्टर बंगलो, पुलिस लाइन अजमेर एंड नियर कनकशी गार्डन, जवान नगर अजमेर. ये घटना तो भैया, मैं तो रात को 10 बजे सो गई थी, फिर उठी थी 1 बजे करीब. बीमार हूँ तो बाथरूम घड़ी घड़ी आता है, उसके बाद फिर आके सो गई. फिर मैं 3:30 या 3:15 बजे उठी, टाइम देखा मैंने, बाथरूम में से आई मैं आके, जब तक सब कुछ सही था. मैंने लॉक भी देखा, चाबी अभी बिल्कुल घुसा, फिर मैं सो गई. फिर मेरे को नींद आ गई, मुझे कुछ नहीं मालूम. जब मैं सुबह उठी, फिर भी मैं जल्दी से बाथरूम में गई. बाथरूम में जाकर बाहर निकली, जब मैंने बाहर लॉकर का डब्बा देखा ना, जब जाके एकदम मेरे वो होश खराब हो गए. दरवाजे खुले देखे पहले तो, फिर रसोई का ताला खुल गया. मैंने सोचा कि ये घर उठते हैं दूध वूध पीने के लिए, बच्चे अच्छे खुला छोड़ दिया होगा. फिर डब्बे पे नज़र पड़ी, बाहर निकली तो डब्बा देखा, फिर आके देखा तो लॉकर वॉकर सब खुला हुआ पड़ा था. चाबी ये नहीं मिली, फिर चाबी देखी तो कूलर के ऊपर रखी हुई मिली. फिर क्या क्या सामान गया आपका, कितना सामान गया? 8 तोले तो सोना था भैया. ये डब्बा भी पड़ा हुआ था, ये 1.5 तोले की चूड़ी थी, 1.5 तोले का हार था, 1.5 तोले की चैन थी, पेंडल समेत 2 जोड़ी झुमके थे बहू के दोनों, पियर का भी ससुराल का भी. 3 अंगूठियाँ थी, 1 टॉप्स की जोड़ी थी, 1 अंगूठी और थी, और कम से कम 17-18 हज़ार रुपये थे. 2-3 जगह से बच्चे का मोबाइल था. ये सामान गया भैया. करीब कितने का सामान होगा सर मिला करके? होगा 8 लाख का 7 लाख का सामान तो हो गई भैया अंदाज से. अब ये तो जोड़ा ही नहीं है, ये तो पहले का बना हुआ था. 8 तोले सोना था. हाँ, 4-5 लाख. हाँ हाँ, 4-5 लाख का होगा भैया. आपका नाम बता दीजिए. मेरा रईसा बेगम. कौन सा एरिया है? सोरग्रान महल्ला, रहमान मंजिल. पुलिस वालों को सूचना दे दी? हाँ, सूचना दे दी थी. कल आए थे मीडिया, वो पुलिस वालों की पूरी टीम आई थी. दिन भर उन्होंने भी भागा दौड़ी करी बेचारों ने बहुत. आपका नाम बता दीजिए. रईसा बेगम.